जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये डेड बॉडी जो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये शाहीन बाग की है और शाहीन बाग में ये कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है। तो हम यहाँ पे तहकीकात करने आए थे कि वाकई में क्या ये डेड बॉडी शाहीन बाग की है या किसी और लोकेशन की है। तो हमने आपको पूरी लोकेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई, आप देख सकते हैं ये वही लोकेशन है जिसमें डेड बॉडी लेके आ रहे हैं। तीन लोग जो है वो कवर्ड हैं पूरी तरीके से बॉडी को, और एक जो कब्र खोदता है यहाँ पे जो परमानेंट रहता है वो भी मौजूद है। तो हमने यहाँ पे बात की लोगों से और यहाँ पे जो जानकारी मिली है तो हमें ये पता चला है कि वो जो शख्स था जिसकी डेथ हुई है, दोस्तों ये वो कब्रिस्तान है शाहीन बाग का, जहाँ पे आपको खबर मिली होगी कि यहाँ पे जो है कुछ एक वीडियो आया था, दो तीन लोग आए थे यहाँ पे जो कि पूरी तरीके से कवर्ड थे, मुंह में मास्क था, और ये बताया जा रहा है कि वो कोरोना का पेशेंट था। जो भी था, हम लोग यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आए और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से उस लोकेशन पर लेके चलेंगे। और ये लोकेशन सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वाकई में वही लोकेशन थी कि नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो वीडियो में दिखाया जा रहा था ये शेड बना हुआ है, ये वही शेड है, और जो बिल्डिंग दिखाई जा रही थी वो बिल्डिंग भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए पीछे जो बिल्डिंग थी, और ये वो कब्रिस्तान है। और ये वो लड़के बना रहे थे, ये वो लड़के, ये लड़के वो, हाँ ये कब्रिस्तान है। और ये लड़के ने बनाया, कौन लड़कों ने? अरे भाई वीडियो तुमने बनाया था वो, नहीं वीडियो तुमने बनाया था, वीडियो नहीं नहीं वो लड़के नहीं, अरे वीडियो यहाँ का कल का। चलो 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 ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये लोकेशन देखिए वही है, लोकेशन एकदम वही है, और जो वीडियो था वो भी एकदम सही था कि वो शाहीन बाग का अबुल फजल का ही वीडियो है वो, लेकिन हकीकत क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो कब्रिस्तान वाला वीडियो वायरल हो रहा है शाहीन बाग का, उसकी हकीकत क्या है। हम यहाँ पे जो यहाँ कब्रिस्तान के इंचार्ज हैं अब्दुल राजिक साहब, तो हम उनके पास आए हैं जो केयर टेकर कब्रिस्तान में जितनी भी डेड बॉडीज आती हैं तो इनकी नज़र में रहती है पूरी इन्फॉर्मेशन। तो हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जो डेड बॉडी आई थी उसमें तीन लोग थे जो कवर्ड थे पूरी तरीके से, उस पर बताया जा रहा है कि वो कोरोना पेशेंट को जो है लेकर आए थे, तो कितनी हकीकत है इस बात में हम ये जानना चाहते हैं। जी बताएं उस बारे में जो कल डेड बॉडी वहाँ पर दफनाई गई है उसमें क्या हकीकत है। देखिए कल डेड बॉडी दफनाई गई, पहली बात तो है कि मैं दिन में था नहीं, मैं शाम को आया तो मैंने भी वो वीडियो देखा, वायरल हो रहा है हमारे शाहीन बाग का, और उसमें ये किसी ने खबर चलाई कि वो कोरोना वायरस से का कोई मरीज़ था जिसके अब इंतकाल हो गया, उसको दफन किया गया। मैंने तहकीकात की अपोलो के लोगों से, डॉक्टरों से, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो कोरोना का मरीज़ नहीं था। उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मैंने मंगाया, डॉक्टरों को दिखाया तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनका जो इंतकाल हुआ है वो किसी वबा से नहीं हुआ, और दूसरी बीमारियाँ थी जो इलाज के लिए एडमिट किया गया था अपोलो में, उन्हीं बीमारियों की वजह से उनका इंतकाल हुआ है, कोरोना का नहीं था। कोरोना का अगर होता कोई भी इंतकाल होता तो डॉक्टर उसको इतनी आसानी से देते भी नहीं, वो अपनी निगरानी में ही उसका आखिरी मकाम तक पहुँचाते हैं, जो भी उसका तदफीन होती है या दूसरे लोगों का जो भी इंतज़ाम होता है वो अपनी निगरानी में डॉक्टर कराते हैं। अपोलो हॉस्पिटल जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल ऐसी लापरवाही नहीं कर सकता था कि उसको कोरोना हो और वो उनके तवाहिकीन को, उनके मुतालिकीन को ऐसे ही सौंप दे ले जा करके, ऐसा नहीं हो सकता था। और रहा कि वो कवर थे जो तीन आदमी उनके साथ थे, उनकी तहकीकात मैंने की तो बताया कि दो तो उनके जो मैत थी उनके रिश्तेदार ही थे, और एक उनमें जो था वो हॉस्पिटल से भी भेजा गया था। खैर एहतियात के तौर पर आजकल के जो हालात है, चूँकि कोरोना चल रहा है तो लोगों उससे खौफ ज़दा है, दहशत ज़दा है, तो एहतियात के तौर पर उन्होंने वो मास्क वगैरह पहना हुआ था, बाकी वो कोरोना का मरीज़ नहीं था। ये मैंने तहकीकात की है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है जी। और एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जैसे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि शाहीन बाग में ये डेथ हुई है, मीन्स कि शाहीन बाग का कोई शख्स है, तो उसके बारे में क्या आपको जानकारी है? वो शाहीन बाग के थे या कहाँ के थे, कौन थे वो? नहीं वो शाहीन बाग के नहीं थे, चूँकि अपोलो और एस्कॉर्ट वगैरह ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें दूसरे लोग, मुल्कों के लोग भी इलाज के लिए आते हैं, तो वो यहाँ हिंदुस्तान के भी नहीं थे, वो यमन के रहने वाले थे और वो फिर बीमार थे और वो डायरेक्टली अपोलो में अपने इलाज के लिए आए हुए थे। वो शाहीन बाग के भी नहीं थे, दिल्ली के भी नहीं थे, यहाँ के इस मुल्क के भी नहीं थे। पहले भी ऐसा हुआ है कि इन हॉस्पिटलों में जो बाहर से आते हैं उनका इंतकाल हो जाता है इलाज के दौरान, फिर क्योंकि आसपास कोई कब्रिस्तान नहीं है, अपोलो के पास जो सबसे नज़दीक कब्रिस्तान है वो यही शाहीन बाग का कब्रिस्तान होता है, तो वहाँ का कुछ स्टाफ आता है
वो कब्रिस्तान में आकर के फॉर्म भर के जाता है कि ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया, मैं इसको ले जाना मुमकिन नहीं है, उनके मुल्क में यहाँ दफना दिया जाए, मुस्लिम है, मुस्लिम कब्रिस्तान है, तो उस एतबार से वहाँ पर उनको दफना दिया जाता है। पहले भी दफनाया गया है और कल भी उनको ऐसे नॉर्मली दफनाया है, ऐसे कोई मरीज ऐसा मसला नहीं था। अगर होता तो डॉक्टर उसको तीस, उसने आपने देखा होगा वीडियो में चौथा शख्स है जो कवर्ड नहीं है, आम नॉर्मल कपड़ों में है, तो अगर ऐसा मरीज़ होता तो उसको मना कर दिया जाता, पास ही नहीं आने दिया जाता। वो तीन साथ में थे और चौथा कोई कब्रिस्तान में कोई शख्स था जो आया हुआ था, उसने उनको कंधा दिया है चौथे आदमी ने। और फिर हमने बात भी की जो कब्रिस्तान में अपने कब्र खोदते हैं उनसे भी फ़ोन पे बात की हमने, क्योंकि हमारा तो कल से जाना हुआ नहीं उधर, लेकिन उन्होंने बताया कि वो आया था एक आदमी यहीं पर कोई फातिहा वगैरह पढ़ने, उसने कंधा दिया है। और उन्होंने बताया भी कि कोई ऐसा मरीज़ नहीं है ये, कि नॉर्मली एक बीमारी जो होती है उसको बीमारी की वजह से उसका दिखा दिया। दोस्तों देख सकते हैं आपकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो मरीज़ बता रहे हैं लोग कि कोरोना से ग्रसित था उसकी मौत हुई है, तो ये यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि आप डेथ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं यहाँ पे जो इंचार्ज साहब हैं उन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बयान कर दिया कि डेथ सर्टिफिकेट में भी ये चीज़ जो है लिखी हुई है कि वबा से मौत नहीं, मीन्स इन्फेक्शन से नहीं है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं था उनको। और वो अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थे, वो यमन के थे, इवन यहाँ के थे भी नहीं, शाहीन बाग का कोई भी शख्स नहीं था ऐसा, क्योंकि यहाँ पे शाहीन बाग का कब्रस्तान पास पड़ रहा था अपोलो हॉस्पिटल से, इसलिए उन्होंने यहाँ पे शाहीन बाग के कब्रस्तान में वहाँ पे भेज दिया, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जो डेड बॉडी का सर्टिफिकेट है उस पर भी आप क्लियर देख सकते हैं लिखा हुआ है, और जो फॉर्म फिल कराया गया था वहाँ पर उसमें भी देखिए कि नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, लोकेशन वो कहाँ के थे उसमें नीचे यमन लिखा हुआ है साफ साफ। तो इसका मतलब ये यहाँ से साबित हो जाता है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है वो टोटल और एकदम गलत तरीके से लोग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। हाँ ये बात सही है कि शाहीन बाग का वीडियो है, शाहीन बाग में दफनाया गया है उसको, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि कोरोना से उसकी मौत हुई है, या जो पेशेंट था वो शाहीन बाग का था, वहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक मदद के तौर पर वहाँ पे आपने देखा कि जो कवर्ड थे उनका मकसद यही था कि क्योंकि दिल्ली पुलिस ने और पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पे 3 से 4 से ज़्यादा जो अलाउड भी नहीं है, तो यहाँ पे 20-25 लोग इकट्ठा भी नहीं हो सकते, इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने भी एहतियात बरती और लोगों ने भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए उस डेड बॉडी को 3-4 लोगों ने ले जाके और वहाँ पे दफनाया। तो द न्यूज़ हिंद के माध्यम से हम पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपको देते रहेंगे, और इस तरह के जितने भी वीडियोज़ जो है वायरल हो रहे हैं उनकी तहकीकात करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, नीचे नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी हुई है, तो व्हाट्सअप करें, हम तहकीकात करके आपको पूरी जानकारी द न्यूज़ हिंद के माध्यम से एकदम सच पहुँचाएंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए हमारे साथ में द न्यूज़ हिंद, और शेयर भी करिए लोगों को। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।